एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको लेके आया हूं अहमदाबाद टू धोलेरा, जो प्री प्लान सिटी है, वहां तक एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे कहा जाएगा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। यहां पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद के SP रिंग रोड पर एक राउंड अबाउट बनाया जा रहा है, जो इस एक्सप्रेसवे को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्ट का निर्माण यहाँ पर NHAI द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है और यहाँ पर कितना काम हो चुका है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्रेसवे के कुछ पोर्शन में मीडियन में ट्री प्लांटेशन का काम भी शुरू हो चुका है और कुछ पोर्शन में DBM लेन का काम चल रहा है। आप यहां पर एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ की बात करें तो 109.19 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 4 लेन में बनाया जा रहा है और इसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। इसके लिए यहां पर NHAI द्वारा पहले से लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है और आप मीडियन पोर्शन देख सकते हैं, इसे डिप्रेस मीडियन कहा जाता है, जो फ्यूचर में होने वाले लेन में एक्सटेंशन को काफ़ी आसान बना देगा और फ्यूचर में होने वाली लैंड एक्विजिशन की दिक्कतों को सॉल्व करेगा। आगे की तरफ बढ़ने पर आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन में एम्बैकमेंट फीलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर एम्बैकमेंट फीलिंग का काम सॉयल की जगह पर फ्लाई ऐश और इंडस्ट्रियल वेस्ट से किया जा रहा है। यहाँ स्ट्रक्चर का काम भी तेज़ी से किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं WDFC की लाइन इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर 22 मीटर हाइट के ROB का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए यहाँ पर एम्बैकमेंट की लेयर में किस तरह से AMC के वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। ये वेस्ट मटेरियल अहमदाबाद के पिराना डंपिंग यार्ड, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल का स्टॉक यार्ड है, वहाँ से इसे रिसाइकल करके एम्बैकमेंट की लेयर में यूज़ किया जा रहा है। इस तरह के आइडिया NHAI और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की इनोवेटिव सोच का परिणाम है। इस फेस मटेरियल को एक्सप्रेसवे में किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उस पर आप टेक्निकल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब चलते हैं एक्सप्रेसवे में आगे की तरफ। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गर्डर लॉन्चिंग किया जा रहा है और इसे किस तरह से बियरिंग में, पेडेस्ट्रियल को बियरिंग में फिक्स किया जाएगा, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सप्रेसवे में आगे की तरफ। ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ अहमदाबाद से धोलेरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, इसके साथ साथ इसके आसपास के एरिया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो फ्यूचर में आने वाली इंडस्ट्रीज के लिए एक आइडल प्लेस बनेगा, जो लॉजिस्टिक मूवमेंट को काफ़ी आसान कर देगा। ये एक्सप्रेसवे भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह ही टोटली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसमें टोटल 9 इंटरचेंज दिए जाएंगे, जिसमें से एक इंटरचेंज आप यहां पर देख सकते हैं धोलका से बागोदरा रोड पर एक डंबल इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे को धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नवागाम की तरफ, यहीं से आप धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा पाएंगे। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। यहाँ अभी एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का काम चल रहा है, जिसमें 3200 मीटर और 4000 मीटर लंबे 2 रनवे का निर्माण किया जाना है। चलिए अब चलते हैं एक्सप्रेसवे में धोलेरा की तरफ। धोलेरा सिटी खंबात की खाड़ी के किनारे स्थित है, इसी वजह से यहाँ पर वाटर टेबल हाई होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी वाटर क्रॉसिंग या फिर रिवर पर किस तरह से ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन भी जारी है और कुछ ब्रिजेस में स्लैब तक का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 50-60% काम कंप्लीट हो चुका है और NHAI द्वारा दिसंबर 2024 तक इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। और यहीं से अभी आप धोलेरा सिटी में जा पाएंगे, अभी यहाँ पर इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन करना बाकी है। चलिए अब मैं आपको लेके आया हूँ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी प्री प्लान सिटी को बसाया जा रहा है और इसी के अंदर से होकर गुजरेगा धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। इस प्री प्लान सिटी और एक्सप्रेसवे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।